अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब दिल्ली में रह रहे अफगानी रेफ्यूजीज अपने घर अपने देश वापस जाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। This new government that's been long anticipated, it was meant to take place, so we heard talk that it could have taken place. Yes. इस सब के बीच हर पल उन्हें अपनों की चिंता सता रही है। दिल्ली के अफगान रेफ्यूजीज पल दर पल अपनों का हाल जानने के लिए बेसब्र हैं। हम अफगानिस्तान से 2019 में आए थे अप्रैल में, 26 अप्रैल में। वहाँ अफगानिस्तान में दिक्कत था, हम जो सिटी में रहते वहाँ बम्बलास जरूर खिताब ज़्यादा होता था, परेशान था, धमकी देता था हमको तालिबान तरफ से। मैं ख़ुद एक बार इंग्लैंड गया था, वहाँ रहता था, तकरीबन 2005 में गया था। उसके बाद 2012 में मेरा बीबी के शहीद किया, इसे धमकी पैसा मांगता था, नामालूम लोग था, यही बांध के था, वो कत्ल किया, मेरे बीबी शहीद हो गए, मैं मजबूर हो गया, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान में रहता था, फिर भी लोग परेशान करता था, हम कारोबार करते, कारोबारी लोग था। अभी तकरीबन यहाँ बहुत दिक्कत से वक्त गुजर रहा है, वापस अफगानिस्तान जा नहीं सकते, या उम्मीद था वो हुकूमत में सरकार में ख़त्म हो गए। अभी कम से कम 3-4 दिन हो गए कि मैं बहुत परेशानी में है, क्या इतना खाना भी खूब नहीं खिला सकते, ये परेशानी मेरे फैमिली को, खुदा न खास्ता कि अभी कोई मौत का किसी का कोई फ़ोन नहीं आएगा, इसी डर में बहुत परेशान है जी, पूरा फिक्र मेरा पूरा उधर है। लोग बहुत परेशान है, कावल में शायद आप न्यूज़ में देख लिया होगा, इसी लास्ट वीक में हालात बहुत ख़राब है अफगानिस्तान में। सो सब इसी कोशिश में जो अफगानिस्तान से भाग जाएगी, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो लोग बाहर का फौज जो था या बाहर का ऑर्गेनाइजेशन जो था, कहीं भी काम कर रहा था, उसकी जान तो बहुत ख़तरे में, आम लोग भी बहुत ख़तरे में, बिलखसूस जो औरतें लेडीज़ हैं जवान लोग सब ख़तरे में आजकल। हम यहाँ आया फैमिली की वजह से आया, हमारा फैमिली सहब बच्चे सहब वहाँ अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तेरे पास पैसा हो तुझे उठाएगा, तुझे नहीं उठा सकता, तेरे बच्ची को उठाएगा, तेरे भाई को उठाएगा, अफगानिस्तान का रवाज है, जो पैसा है पहले उसका आपको धमकी दे रहा है, कितना पैसा दे, नहीं दिया, किसी ने किसको उठाना है। इस सिस्टम में मेरे बीबी शहीद हो गए, $50,000 मांगता था, पहले गलती किया, 5,000 मांगा वो लोग को दिया, फिर 10,000 दिया, फिर 50,000 के डिमांड किया, हम नहीं दिया, मैं इंग्लैंड में था 2012 में, इसलिए मेरा बीबी के दिन 3:30 बजे था, अफगानिस्तान न्यूज़ सब कुछ में है, 3:30 बजे उसके कत्ल में शहीद किया पैसों के चक्कर में। अभी मेरे पास प्रूफ सबूत है, वो धमकी दिया कर तुझे पैसा दे दिया, $1,00,000 भी मांग रहा था, उसकी वजह से हम बाकी यहाँ इंडिया आया। दिल्ली के अफगान रेफ्यूजीज पल दर पल अपनों का हाल जानने के लिए बेसब्र हैं। वो हर सेकंड ये सोच के चिंतित हैं कि वो अपनों को दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। मेरे इधर खुद फैमिली है, मेरा बीवी है, 3 बच्चे हैं, और जो मेरा अफगानिस्तान में 7 भाई है, 1 बहन है, अम्मा है, मतलब पूरा मेरा रिश्तेदार, खाला आंटी, कम से कम 200 अपना रिश्तेदार उधर है। क्यों नहीं चाहते हमारा वतन आराम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो? मिसाल हम क्या करते हैं यहाँ, इतना टेंशन, सारा दिन सुबह 4 बजे हम उठते हैं, काम करते रात 12 बजे तक, यकीन करो कम 2 मिनट के लिए टाइम नहीं मिलते, अकेला सुबह मैं वनडे ही जाता हूँ, माल लेता हूँ, इधर 7 बजे पहुँचता हूँ, दुकान खोलता हूँ 11 बजे फिक्र बंद पर, जब घर जाता हूँ नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, 12 बजे 1 बजे होता है। जब तक मैं अफगानिस्तान में था मेरा काम बहुत अच्छा था, मेरा प्राइवेट बिजनेस था, मेरा उधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। जो 2013 में ये अमेरिकन लोगों का जाना स्टार्ट हो गई, उसी में पूरा अफगानिस्तान में काम धंधा सब बंद हो गई, मेरा खुद में करोड़ों रुपये उधर नुकसान हो गई। अभी ये मन में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ये हालत है कि जब तक मैं 2015 में निकल गया तो मेरा यही मन भी था कि ये वापस ठीक नहीं हो जाएगा। अभी तो तालिबान इसको पकड़ दिए, ये तो बिल्कुल ही मेरे मन में नहीं आ रहा कि मैं वापस जाने के लिए, मेरे मूड बनते हैं कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि तालिबान पहले भी इधर वही अफगानिस्तान में आ गया, 5 साल 4 साल 5 साल पूरा लोगों को परेशान रख दिया। अभी तालिबान वही तालिबान है, अभी पता नहीं किस बात में क्या कर रहे हैं, जो पहले इतना जुल्म वो लोग किया, किसी को काम नहीं दिया, सब लोग उसी टाइम में बात
20-25 साल पहले के सब लोग हम लोगों की तरह जो अभी हम लोग आया सब लोग अपना देश छोड़ के गए। अभी भी ये हालत में आप देख रहे हैं कि किसी को इधर तालिबान के साथ मन नहीं है ज़िंदगी के लिए, वरना हर इंसान का उधर हमारा अफगानी लोगों का सबका अपना घर है, सबका अपना ज़मीन है, सबका अपना मकान है, सब छोड़ के आए इधर थोड़ा सुकून के लिए। तालिबान दावा कर रहा है कि वो बदल चुका है और इस बार वो एक प्रोग्रेसिव रुख अपनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में काम कर सकेंगी। बात यह है, तालिबान तो एक बार 5 साल अफगानिस्तान अपने कब्जे में लिया था, ये था 1994-1995 से 2001 तक। उसी हिसाब से अगर हम बता दें तो अच्छी स्टोरी नहीं उसके वो लोग का, वो अब अफगानिस्तान दिलों में नहीं रहता है, वो सब दहशतगर है। अफगानिस्तान में वो अपनी दहशतगरी के खातिर कब्जे में ले लिया। आज तो फिर से ही वो हालत तकरार हो गया 20 साल बाद। अभी इसके बाद में पता नहीं कि हमारा क्या उधर गारंटी है, कौन गारंटी दे मेरे ज़िंदगी का, मेरे बच्चों का कौन गारंटी दे रहा है कि मैं उधर जाऊँगा पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ते के बाद मेरे को मार रहे है, मेरे बच्चों को मार रहे है, किसको मार रहे है, इसे कोई गारंटी नहीं, इसी के लिए जाने का मूड नहीं। फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिला, इंडियन सरकार से अभी तक ना कुछ मदद मिला, और ये 6 साल में तुम्हें कुछ मदद तो नहीं देखा, कोई अफगानी को भी मदद नहीं मिला। अब इंसान पैदा ही है कि यहाँ हम रह सकते हैं, ये पैदा है और कुछ इस तरह कोई हेल्प और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपील यही है कि भैया ने हाँ हम के काम वाम मिले कंपनी में या कुछ नहीं, जैसे हमारे पास आईडी नहीं है, बैंक से पैसा हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे प्रूफ सबूत नहीं, वीज़ा ख़त्म है, यहाँ टैक्स लगते हैं, मिसाल हर अफगानी पे वीज़ा लेने पैसा आने दिक्कत है उठाना, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम काम करें। अब नरेंद्र को अफगानिस्तान से आते या बाहर मुल्कों से दोस्त या मिसाल फैमिली भेज रहे, यहाँ दिक्कत है हमारा। हमारे पास यूनिशियार का रिफ्यूजी कार्ड है, मगर उस रिफ्यूजी कार्ड में हमें खाली सिम कार्ड नहीं मिल सकती है, बैंक अकाउंट नहीं देता है हमको, कहीं जॉब नहीं मिलेगी अच्छी तरह, जॉब हमको भी नहीं मिलेगी अथॉरिटी जॉब, क्योंकि हम वीज़ा नहीं है हमारा, और इंडिया गवर्नमेंट हमको ये यूनिशियार कार्ड के हिसाब से तो कुछ नहीं देता है। हाँ, अगर हम कहीं इधर ट्रेवल करूँ, सफ़र करूँ, होटल में हमको रूम नहीं मिलेगी, कहते हैं आप तो फॉरेनर है, आपको वीज़ा होना चाहिए, मगर हमको वीज़ा इधर नहीं मिलता है। अफगानी रिफ्यूजीज के लिए सबका बहुत मुश्किल है, इधर हमारा 4 जवान सुसाइड किया अपनी खुद का अलकावेज किया, 4 जवान इसी साल दिल्ली में इसी बेपरवाही के, यूनिस्चार जो कहता है हमारे तरह कोई भविष्य मालूम नहीं है, और सब लोग उधार में रहता है, इधर दुकानों से उधार, अपनी राशन उधार में लेता है, घर के मालिक आता है कभी कभी दरवाजे में ताला लगाता है या तुम्हारा फ्रिज लेकर जाता है कि किराया दे दो, ये सच है, आप पूछ सकते हैं दूसरा लोग के हालात इसी तरह है।